मैं अभिषेक बंसल वैदिक चिकित्सा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने बेली फैट को जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो शुरू करते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कि हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करने की हमारी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब हम लोग सुबह सुबह का अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर ये सोचते हैं कि अब हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, पर ये केवल भ्रांति मात्र है कि हम अपना वेट लॉस ब्रेकफास्ट को स्किप करके कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील होती है दिन की। ब्रेकफास्ट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है और यदि हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बड़ा खराब हो जाता है। ब्रेकफास्ट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो एक ब्रेकफास्ट है। मतलब हमने जो रात से अभी तक कुछ नहीं खाया है, कम से कम 7 या 8 घंटे या 10 घंटे हमारा जो फास्ट रहा है उस चीज को ब्रेक करने के लिए, उस फास्ट को ब्रेक करने के लिए एक ब्रेकफास्ट। इसीलिए अपने ब्रेकफास्ट को किंग साइज हैवी रखें जिससे कि हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक रहे और पूरा दिन हमको कार्य करने की क्षमता मिलती रहे। और ब्रेकफास्ट आप जितना ब्रेकफास्ट को अवॉइड करेंगे उतना ही आप हंग्री महसूस करेंगे थ्रू आउट योर डे। और ये भी देखा गया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI कम रहता है। तो अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स जरूर शामिल करें। ये मस्ट है कि आप अच्छा फ्रूट कंटेंट या जूस कंटेंट अपने ब्रेकफास्ट में ले ही ले। और सुबह उठने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रेकफास्ट अपना कर ही लें। और ब्रेकफास्ट करने का सर्वोत्तम समय 8 बजे के उपरांत या 8 बजे के आसपास। टिप नंबर 2, अपने डिनर को माइंड करें। मींस अपने डिनर को थोड़ा सा कट डाउन करें। अगर हम किंग साइज ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो हमारा डिनर बेगर साइज का होना चाहिए। हम लेट नाइट खाना अवॉइड करें। अपने डिनर को तय सीमा से पहले खा लें, मतलब तय समय से पहले खा लें। रात को टीवी के सामने बैठ करके स्नैकिंग नहीं करनी है, कुछ स्नैक्स लेकर नहीं बैठ जाना रात को। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले ब्रश कर लें या खाना खाने के बाद ब्रश कर लें। ब्रश करना हमारे बेली फैट के लिए जरूरी नहीं है, बट वो एक टेंडेंसी क्रिएट करता है कि अब हम कुछ और नहीं खाएंगे। ब्रश करने के बाद एक बांध लग जाता है हमारे खाने पर कि अब हमने मुंह साफ कर लिया है तो अब हम और नहीं खाएंगे, तो वो मन भी नहीं करता। इस वजह से ब्रश कर लें ताकि एक साइकोलॉजिकली हम बैरियर लगा सके अपने खाने पर। अपने खाने में ज्यादातर प्लांट ग्रोन फूड लीजिए, ना कि प्लांट मैन्युफैक्चर्ड फूड। मीन्स जो प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ऐसे फूड मत लीजिए, जो प्लांट पे उग रहे हैं वैसे फूड लीजिए। अपने खाने में मीट का इंटेक कम रखें, बिकॉज मीट हमें पचाने में दिक्कत होती है। जितना हम मीट का इंटेक ज्यादा रखते हैं उतना हम मोटे भी हो जाते हैं। मीट खाने का वैसे भी साइंस के हिसाब से भी लॉजिक नहीं है, बिकॉज ये फूड चेन हमको साफ साफ दिखाती है कि जितनी एनर्जी हम एक चिकन खा कर ले सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी हम घास खा कर ले सकते हैं या फिर कोई ग्रीन वेजिटेबल खा कर ले सकते हैं। बिकॉज ये फूड चेन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये यही समझाती है कि अगर चिकन ने ग्रास खाई है तो ग्रास की सिर्फ 10% एनर्जी चिकन ले पाता है, और अगर चिकन को किसी अपर कार्निवोरस एनिमल ने खाया है तो चिकन की सिर्फ 10% एनर्जी ही अपर कार्निवोरस में जाती है, और फिर अपर कार्निवोरस को किसी टॉप कार्निवोरस एनिमल ने खाया तो सिर्फ और सिर्फ अपर कार्निवोरस की 10% एनर्जी ही टॉप कार्निवोरस में जाएगी। दैट इज वाई, यही कारण है कि इकोसिस्टम में टॉप कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो कम होते हैं और ग्रास बेस्ड या हर्बीवोरस एनिमल्स ज्यादा होते हैं, बिकॉज हर्बीवोरस एनिमल्स के पास एनर्जी ज्यादा है इंटेक करने के लिए और ग्रास हमारे भरपूर है हमारे पास। तो इसी लॉजिक को लेकर ये 7th क्लास में हमें साइंस में पढ़ा दिया जाता है कि हमें प्लांट बेस्ड फूड्स
से ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू नॉन वेज फूड। अपने खाने में होल ग्रेन रखिए, ना कि रिफाइंड ग्रेन। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो रिफाइंड ग्रेन इज नॉट सो बेनिफिशियल, दैट इज व्हाई वी से कि आप ब्राउन राइस लीजिए, चोकर के साथ खाना खाइए, बिकॉज चोकर इज हाईली डाइजेस्टिव। चोकर आपके इंटेस्टाइन को साथ ही साथ सफाई करने का, झाड़ू लगाने का, पूरा प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि होल ग्रेन लीजिए, ना कि रिफाइंड ग्रेन। बहुत देखभाल कर अपना खाना चूज कीजिए, बहुत जुडिशियली अपना खाना चूज कीजिए। बहुत ज्यादा मत खाइए, अपनी किचन को हेल्दी खाने से ही भरिए। कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो बहुत सोच समझकर अपना खाना चुनें। कहीं बूफे में जाएं तो अपनी प्लेट में बहुत हेल्दी चीजें ही रखें। अपने खाने में जब आप सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का गैप रखिए। अपने आप को स्नैक करने से पहले, स्नैक्स लेने से पहले भूखा मत मारिए। जैसे कि मैं कई बार देखता हूं कि किसी रात को आपको शादी में जाना है तो आप दिन में खाना ही नहीं खाते, तो ये सबसे ज्यादा गलत बात होती है कि जब आप भूखा मारने के बाद अपने आप को एकदम से खाने पर टूटते हैं लिटरली, तो वो आपको, आपके मेटाबॉलिक रेट को, आपके इम्यून सिस्टम को और आपके बेली फैट को नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि आपके लिए गलत होता है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को अच्छा खाना और टाइमली खाना दे रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पर या फिजिकल एक्सरसाइज पर। ईटिंग का, डाइटिंग का 80% रोल हम कहते हैं और फिजिकल का 20% रोल या 30% रोल मैक्सिमम आपकी वेट लॉस में होता है। बट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस 30%, ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये 30% नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं महसूस करेंगे, फिट नहीं महसूस करेंगे, स्टैमिना नहीं रहेगा। तो सुझाव सिर्फ इतना सा कि एक पेडोमीटर अपने साथ रखिए और अपने स्टेप्स काउंट कीजिए। दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स अगर आप रख पाए तो आप बहुत हेल्दी रह पाएंगे अपने जीवन में। आप एक डॉगी अगर रख सकते हैं अपने साथ, बिकॉज एक डॉग जो होता है वो ह्यूमन को भी डिसिप्लिन सिखा देता है। ह्यूमन बिना डॉग के बड़ा इंडिसिप्लिन होता है, डॉगी को सुबह शाम वॉक पर जाना ही जाना है। तो उसी चक्कर में दैट इज ओनली एन एक्सक्यूज फॉर योर सेल्फ कि आप भी वॉक पर उस डॉगी के साथ चले जाते हैं, या फिर आप चलने के कई बहाने ढूंढ सकते हैं कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा चले, या तो आप टीवी ब्रेक जब एड कमर्शियल्स आते हैं तब आप थोड़ा सा एक अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा राउंड्स ले लीजिए, पेडोमीटर रखिए। पेडोमीटर रखने से आपको एक मोटिवेशन और एक रिमाइंडर भी मिलता रहेगा कि हाँ मैंने इतने चल लिए और चलने हैं भी। या फिर आप फोन पे बात करते हुए चल सकते हैं, या फिर आप स्टेयर्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सीलेटर और लिफ्ट, या फिर आप अपने ऑफिस में ही थोड़े बार चलना फिरने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ करके ज्यादा से ज्यादा चल सकते हैं। योगा में हमारे पास बहुत कुछ होता है, जस्ट लाइक सूर्य नमस्कार का अगर आप अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार अगर आपको देखना है किस तरह से होता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पे देखिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पश्चिम उत्तानासन जैसे आसन हो सकते हैं, पादस्थ जैसे आसन हो सकते हैं, पादोत्तान जैसे आसन हो सकते हैं, ताड़ासन हो सकता है, कटी चक्रासन हो सकता है, त्रिकोण आसन हो सकता है। इस तरीके की कुछ आसन आप अगर रेगुलर लाइफ में करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और आपका वेट लॉस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर हाजिर हूंगा आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें।